हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक का मतलब होता है सबसे सस्ता ऑर्डर साइज़ रॉ मटेरियल का जब कोई भी स्टोर मैनेजर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना होता है तो वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करता है जिससे कि उसको साइज ऑफ ऑर्डर पता चल सके कि साइज़ ऑफ ऑर्डर एट विच टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज़ मिनिमम यानी ऐसी ऑर्डर साइज़ जहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है नंबर वन ऑर्डरिंग कॉस्ट जो ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट होती है जिसके अंदर अपन परचेज़ ऑर्डर मंगा बनाते हैं सप्लायर को अपन वो ऑर्डर देते हैं और सप्लायर गुड्स को डिलीवर करता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो उसको अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं और जब वो रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर आ जाता है या वेयर हाउस के अंदर आ जाता है उसको रखने की जो कॉस्ट होती है उसको अपन कैरिंग कॉस्ट कहते हैं कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन स्टोर जिसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है नंबर वन स्टोरेज कॉस्ट यदि अपन ने वो वेयर हाउस रेंट पे ले रखा है उसका रेंट लाइटिंग एक्सपेंसेस स्टोर मैनेजर सैलरी वर्कर्स सैलरी कोई भी अपन हैंडलिंग कॉस्ट दे रहे हैं वर्कर्स को और इंश्योरेंस अपन ने करा रखा है गुड्स का तो इनको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि एनुअल कंजम्पन यानी टोटल वन ईयर के अंदर अपन को ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है अब इस ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स को परचेज करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं तो नंबर वन होता है कि ऐसे कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे अपन जिससे कि ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स आ जाए अपनी ऑर्डर साइज क्या होगी कॉस्ट पर ऑर्डर यदि अपन एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अपनी क्या कॉस्ट आएगी तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर और लास्ट आता है आपका कैरिंग कॉस्ट उन गुड्स को मेंटेन करने की स्टोर में क्या कॉस्ट होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जैसे अपन ने अज्यूम करा एक ऑर्डर यदि अपन प्लेस करते हैं तो अपन को हंड्रेड रुपीज लगते हैं और कैरिंग कॉस्ट के अंदर अपने पास दो वेयर हाउस है वेयरहाउस वन के अंदर जो रेंट है वो पूरे साल भर का जो रेंट है वो फोर थाउजेंड रुपीज़ है और एक बड़ा वेयर हाउस यदि अपन रेंट पे लेते हैं जिसके अंदर टोटल कैपेसिटी फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स की है तो वहाँ पे उसका रेंट पड़ेगा एट थाउजेंड रुपीज़ पर ईयर अब यदि अपन केवल एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अपने पास एक साथ ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स आ जाएंगे तो अपनी ऑर्डर साइज़ कितनी हो गई ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स क्योंकि अपन ने एक ऑर्डर प्लेस करा है तो अपने कितने चार्जेस लगेंगे हंड्रेड रुपीज़ मगर यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि इस ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स को रखने की जो कॉस्ट है उसके लिए अपन को बड़ा वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी और उसका रेंट है एट थाउजेंड रुपीज़ इसलिए अपनी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी यहाँ पे एट थाउजेंड वन हंड्रेड यदि अपन ऐसे दो ऑर्डर प्लेस करें तो अपन को सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड यूनिट्स के दो ऑर्डर अपन प्लेस करेंगे यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी क्योंकि अपन ने दो ऑर्डर दिए हैं तो हर ऑर्डर की हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ से टू हंड्रेड रुपीज़ आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई और नंबर ऑफ यूनिट्स कम है इसलिए अपन को छोटे वेयर हाउस से ही अपना काम हो जाएगा जिसका अपना रेंट है फोर थाउजेंड रुपीज़ पर ईयर का तो यहाँ पे अपनी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट हो गई फोर थाउजेंड टू हंड्रेड तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपन को ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि अपनी ऐसी ऑर्डर साइज अपन फाइंड आउट करें जिसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर वन ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल इक्वल होती है नंबर टू टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जिसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आती है वो सबसे कम होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है C. A का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन यानी वन ईयर के अंदर फैक्ट्री को या प्रोडक्शन मैनेजर को कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर यदि अपन एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी और सी का मतलब होता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अब अपन एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे यहां पे जैसे अपन को इंफॉर्मेशन गिवन है एनुअल कंजम्पन वन ईयर के अंदर अपन को सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है एक ऑर्डर यदि अपन प्लेस करते हैं तो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है रुपीज हंड्रेड पर ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट अपनी यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है तो कैरिंग कॉस्ट कभी भी परसेंटेज में गिवन होती है तो अपन कॉस्ट पर यूनिट पे अपन कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट यानी एक यूनिट को परचेज़ करने की कॉस्ट है ट्वेंटी रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट है टेन परसेंट तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गई टू रुपीज़ अब अपन इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं तो ई क्यू के अंदर अपन ने टू इंटू एनुअल कंजम्शन सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर हंड्रेड रुपीज़ डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट टू रुपीज़ तो एक साथ अपन कितने यूनिट्स का ऑर्डर देंगे 800 यूनिट्स का अपन ऑर्डर देंगे अब ऐसे कितने ऑर्डर्स देंगे वन ईयर के अंदर इसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर तो इसका फार्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन वन ईयर के अंदर अपन को रिक्वायरमेंट है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स की और अपना ईओ और ऑर्डर साइज आया है एट हंड्रेड यूनिट्स इसका मतलब है ऐसे अपन एट ऑर्डर्स प्लेस करेंगे वन ईयर के अंदर जिसके अंदर अपनी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स की अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वन ऑर्डर जो अपन एट हंड्रेड यूनिट्स का दे रहे हैं सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर जो दे रहे हैं वो भी एट हंड्रेड यूनिट्स का दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन फार्मूला यूज़ करते हैं या तो अपन इसको नंबर ऑफ डेज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं या नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे अपन नंबर ऑफ मंथ्स लेते हैं वन ईयर के अंदर ट्वेल्व मंथ्स होते हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर्स है अपने पास एट ऑर्डर्स आंसर आया वन पॉइंट फाइव मंथ्स वन पॉइंट फाइव मंथ्स का मतलब हुआ कि अपन आफ्टर एवरी फोर्टी फाइव डेज अपन एट हंड्रेड यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर अपन ने दिया एट हंड्रेड यूनिट्स का फिर वन एंड हाफ मंथ के बाद सेकेंड ऑर्डर देंगे एट हंड्रेड यूनिट्स का फिर वन एंड हाफ मंथ के बाद थर्ड ऑर्डर देंगे एट हंड्रेड यूनिट्स का ऐसे सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स पर ईयर के अंदर अपन सप्लायर से ऑर्डर दे के मंगाएंगे गुड्स को एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन जिससे कि पूरी चीज़ क्लियर हो जाए यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी ऑर्डर साइज जिसके अंदर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम होती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स वन ईयर के अंदर कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे और एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होगा यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ डेज में फाइंड आउट करना है इसलिए अजम्पन अपन को गिवन है थ्री सिक्सटी डेज इन अयर एनुअल कंजम्पन अपने पास है ए इक्वल्स टू एटीन थाउजेंड यूनिट्स कॉस्ट पर ऑर्डर यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने पास है रुपीज़ वन फिफ्टी पर ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे रुपीज़ में गिवन है रुपीज़ फाइव पॉइंट फोर ज़ीरो पर यूनिट पर एन एम नंबर वन अपन फाइंड आउट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होती है फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टू ए अपॉन सी टू इन टू ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन तो पूरे साल भर में अपन को एटीन थाउजेंड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और एक ऑर्डर यदि अपन प्लेस करते हैं तो वन फिफ्टी रुपीज लगते हैं और कैरिंग कॉस्ट अपन को गिवन है फाइव पॉइंट फोर जीरो यहाँ अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा वन थाउजेंड यूनिट्स तो अपन सप्लायर को ऑर्डर देंगे वन थाउजेंड यूनिट्स का नंबर टू अब आता है अपन ऐसे कितने ऑर्डर्स देंगे वन थाउजेंड यूनिट्स के तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपन फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू क्यू एनुअल कंजम्पशन वन ईयर के अंदर अपन को रिक्वायरमेंट है एटीन थाउजेंड यूनिट्स की और एक ऑर्डर अपन देंगे वन थाउजेंड यूनिट्स का तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे ईयर में अपन कितना देंगे एटीन ऑर्डर्स। लास्ट अपन कैलकुलेट करते हैं टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज में अपन फाइंड आउट करेंगे तो थ्री सिक्सटी डेज होते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एटीन तो एवरी ट्वेंटी डेज के बाद अपन वन थाउजेंड यूनिट्स का ऑर्डर देंगे फर्स्ट ऑर्डर देंगे वन थाउजेंड यूनिट्स का फिर बीस दिन के बाद वापस से वन थाउजेंड यूनिट्स का ऑर्डर देंगे अपन फिर उसके बीस दिन के बाद में अपन वापस से वन थाउजेंड यूनिट्स का ऑर्डर देंगे अब जब अपन क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर अपन को एनुअल कंजम्पशन गिवन होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट अपन को गिवन होती है मगर कैरिंग कॉस्ट अलग अलग नाम से क्वेश्चन में गिवन होती है तो कैरिंग कॉस्ट के क्या क्या नाम हो सकते हैं नंबर वन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कैरिंग कॉस्ट का ही इंक्लूडेड होती है कैरिंग कॉस्ट के अंदर ही यदि ये परसेंटेज भी गिवन है तो अपन इंटू कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से एक यूनिट की जो भी कॉस्ट है उसको अपन परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर टू कॉस्ट ऑफ रेंट इंश्योरेंस ये भी कैरिंग कॉस्ट होती है स्टोरेज कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट होती है और इंटरेस्ट रेट भी कैरिंग कॉस्ट होती है यहाँ पे भी परसेंटेज में गिवन है तो अपन कॉस्ट पर यूनिट से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज की वीडियो में अपन ने सबसे पहले ये सीखा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है ऐसी ऑर्डर साइज जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी गुड्स को मंगाने की कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट यानी गुड्स को मेंटेन करने की कॉस्ट सबसे कम होती है वो होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू एपन सी ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन कंजम्पन का ओ का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन एम फिर अपन ने कैलकुलेट करा नंबर ऑफ ऑर्डर सी नहीं है जिसका फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज भी कह सकते हैं इसको और ईओ भी कह सकते हैं और एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप है ये अपन टाइम गैप वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं